बेटी सीता 6 महीने की गर्भवती थी। उसकी माँ उसे बिस्तर पे सुला रही थी। अरे गांव की बहू अनामिका कहाँ मर गई? दूध लेकर आओ। जैसे ही शारदा के चिल्लाने की आवाज आती है, अनामिका जो कि गांव की बहू थी और वो 8 महीने की गर्भवती थी, दूध गर्म करके एक ग्लास में लेकर वो धीरे धीरे शारदा के पास आती है। एक ग्लास दूध लाने में तुम्हें इतना वक्त लगता है, क्या कर रही थी? इस तरह गुस्से से शारदा कहती है और कस के एक थप्पड़ उसे लगाती है। अनामिका रोने लगती है। जाओ जाके देख के आओ, शहर की बहू 5 महीने की गर्भवती है, उसे क्या जरूरत है। इस तरह से कहने पे अनामिका रोते रोते उस कमरे से बाहर चली जाती है। 1 घंटा निकल जाता है। शारदा और प्रसाद बात कर रहे होते हैं। छोटा बेटा विनीत अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी प्रतिमा को लेके शारदा के पास आता है। माँ हमें अस्पताल जाना है। इस तरह कहने पे बिना सोचे समझे एक बंडल निकाल के शारदा उन्हें दे देती है। तुम लोग क्या कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जा रहे हो? हाँ माँ। ठीक है, सावधानी से गाड़ी से जाना और डॉक्टर ने क्या कहा फोन करके बताना। ठीक है माँ जी, अगर वो फोन करके बताना भूल गए तो मैं आपको जरूर फोन करके बताऊंगी। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बड़ा बेटा रमेश और उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी अनामिका शारदा के पास आती है। उन्हें देखकर प्रसाद बहुत खुश होकर कहते हैं, शारदा बड़ा बेटा बहू आए हैं। मेरी आंखें हैं, अंधी नहीं हूँ। हाँ बताओ बेटा, तुम अपनी गांव की बीवी को लेकर क्यों आए हो? और क्या शारदा, बड़ी बहू 8 महीने की गर्भवती है, अस्पताल जाना होगा ना, उन्हें पैसे चाहिए। गांव की लड़की है ये, प्राइवेट अस्पताल देख के डर जाएगी। बेटा इसे किसी सरकारी अस्पताल में ले जाना बेटा। उसकी बातें सुन के रमेश और अनामिका ने बिना कुछ कहे सर झुका के वहाँ से चले गए। प्रसाद को बहुत गुस्सा आया। ये क्या शारदा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा अच्छा कमाता है, तुम्हारा छोटा बेटा तो बेरोजगार है, उन्हें तुमने पूरा पैसों का बंडल देकर प्राइवेट अस्पताल जाने को कहा, और जो पैसे कमा के दे रहा है उसे कह रही हो सरकारी अस्पताल में दिखाने ताकि कम खर्च हो, ये सही नहीं कर रही हो। बड़ी बहू जब से सुबह से उठती है घर का सारा कामकाज करती है, शाम तक बिना थके हारे पूरा काम करती है, घर का सारा कामकाज, खाना पकाना, कपड़े धोना, एक एक काम बड़ी बहू सुबह से लेकर शाम तक करती है। आप इसलिए ये सब कह रहे हो क्योंकि आपको गांव की बहू के लिए ज्यादा लगाव है। इस तरह कहने पे रमेश गांव की पत्नी अनामिका को ऑटो में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले जाता है। फिर एक दिन रमेश ऑफिस से घर लौटने के वक्त फल खरीद के घर ले आता है। अनामिका ये फल लेके तुम फ्रिज में रख दो और खाते रहना, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत कमजोर हो। ऐसा कह ही रहा था तभी शारदा वहाँ जाती है, देखती है बहू के हाथ में फलों का थैला। बहू नहीं समझी होगी, मैं समझा देती हूँ, तुम हाथ पैर धो लो। फिर रमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शारदा अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। जाके इन फलों को फ्रिज में चुपचाप रख दो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक अगर एक भी फल खाई तो देख लो। इस तरह कहने पे अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है और फलों को ले जाकर चुपचाप फ्रिज में रख देती है। रात के वक्त रमेश अनामिका को बिस्तर पर बैठाता है और कुछ फल लाके देता है। खाओ अनामिका, मुझे पता था माँ तुम्हें खाने नहीं देगी, इसीलिए मेरे बैग में पहले से ही कुछ फल रखा था। फिर वो प्यार से खिलाता है, थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रमेश और प्रसाद दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सोफे पे बैठ के शारदा अनामिका को बुलाती है। अरे अनामिका, फ्रिज से कुछ फल लेके उसे काट कर छोटी बहू को दो और मेरी बेटी सीता को दो। उसकी बातें सुनकर अनामिका रोते रोते फल लेकर किचन में जाती है। फल काट के वो प्रतिमा और सीता दोनों को देती है। वो दोनों आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखते देखते मजे से फल खाती है। जब अनामिका वहाँ से जा ही रही थी। कहाँ जा रही हो? सरदा थोड़ा माँ जी, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ऐसा? मैं ममता को बोली थी गोबर देने के लिए फूलों के पेड़ में डालेंगे, जाओ लेकर आओ। इस तरह कहने पे बिना कुछ जवाब दिए अनामिका वहाँ से चली जाती है और ममता के यहाँ से गोबर का टोकरी उठा के ले आती है। अनामिका जब ये सब काम कर रही होती है उस वक्त भी वो दोनों बैठ के सोफे पे आराम से फल खा रहे होते हैं और अनामिका का मजाक उड़ा रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर अनामिका, प्रतिमा और सीता तीनों ही स्वस्थ संतानों को जन्म देती है।
शारदा अपनी छोटी बहू का बेटा सीता का बेटा को हमेशा गोद लेती थी, पर वो अनामिका की बेटी को कभी गोद में नहीं लेती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची रो रही हो, अनामिका काम में व्यस्त हो, फिर भी वो कभी उसे उठाती नहीं थी। एक दिन शारदा को आंखों में इन्फेक्शन होता है। वो प्रतिमा को बुलाती है दवाइयाँ डालने के लिए। छी, ये तो फैलने वाली बीमारी है, ना मैं जाऊंगी ना अपने बच्चे को दूंगी। इस तरह कह के वहाँ से वो चली जाती है। सीता, कम से कम तुम माँ के तो आंखों में दवाई दे दो। बाप रे, मैं नहीं दे सकती माँ, पहले तुम ठीक हो जाओ तभी मैं आऊंगी, कहकर वो चली जाती है। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। तब तक अनामिका शारदा के पास आती है, उसके कंधे पे वो हाथ रखती है। माँ जी, मैं आ गई हूँ आपके पास, दवा दे देती हूँ, ये बहुत फैलने वाली बीमारी है, आपको थोड़ा अच्छे से सावधानी बरतनी होगी। उसकी बातें सुन के शारदा को बड़ा दुख होता है। वो अपना दिल निकाल के पूरे दिल से अनामिका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने बहुत तुम्हारा मजाक उड़ाया है। तुम जब गर्भवती थी तुम्हें पेट भर के खाना तक नहीं दिया, तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी दया किए बिना तुम्हें गोबर तक लाने के लिए कही थी। इस तरह वो रोने लगती है। अनामिका उसे समझाते हुए कहती है, अरे माँ जी, आपने वो सब किया इसीलिए तो बिना ऑपरेशन के आज मुझे बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। देखिए उसी तरह प्रतिमा और सीता का ऑपरेशन करके डिलीवरी करना पड़ा, अभी उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। इसी दौरान प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। बड़ी बहू होने के नाते आज तुमने नाम कमा लिया। फिर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर एक हफ्ते के बाद शारदा की आंखों का संक्रमण कम हो जाता है और तब से वो अनामिका के साथ बड़े प्रेम भाव से रहने लगती है। चूंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए सास बहू ने छाता पकड़ा हुआ था। साथ ही सास बहू शारदा और अनामिका अपने चमकदार लंबे काले घने बालों को कंधे पे ऐसे रखी हुई थी ताकि चार लोग देखकर चले। हाथ में शॉपिंग कवर लेकर वो दोनों पैदल चलते हुए जा रही थी। तभी सुजाता, जो शारदा को पहचानती थी, उससे मुलाकात होती है। क्या शारदा, तुम्हारी तो उम्र हो गई है फिर भी तुम बहू की तरह अपने बाल रखी हो। क्यों, सिर्फ जवान लोग ही इस तरह से बाल बना सकती है क्या? मैं नहीं, मेरे पति को ये स्टाइल बहुत पसंद है इसीलिए मैंने बनाया है। इस तरह कहते हुए शारदा शर्मा जाती है। ये देखकर फिर सुजाता, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगी। अरे जलन खोटी, मेरे बालों को देखकर तुम्हें जलन हो रही है क्या? इस तरह की बातें हो ही रही थी, आसमान में बहुत तेज बारिश होने लगती है। शारदा की छतरी हवा में उड़ जाती है। फिर जैसे ही बरसात का पानी शारदा के ऊपर गिरता है, शारदा के बालों से पूरा सफेद रंग निकल जाता है और काले रंग दिखने लगते हैं। ये देखकर सुजाता और अनामिका दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शारदा अपनी बहू को देखकर, मेरे बालों का डाई निकल गया तो तुम इस तरह से हंस रही हो, और तुम दांत निकाल के बैल की तरह हंस रही हो। तुम्हें मेरे साथ ही घर जाना होगा, तुम मेरे साथ अब घर चलो, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। इस तरह से कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका की हंसी रुक जाती है, वो शारदा के पीछे पीछे जाने लगती है। सफेद बाल लेकर शारदा और काली बालों वाली बहू अनामिका दोनों ही अपने घर लौट आती है। बहू, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से एक पैर भी नहीं हिलोगी। शारदा गुस्से से ऐसा कहकर अंदर जाती है और एक कैंची लेकर घर के अंदर से निकल आती है। तुम्हारा काला बाल है इसलिए सुजाता के साथ मिलके तुम मुझ पे हंस रही थी, अब तुम देखो मैं तुम्हारे बालों के साथ क्या करती हूँ। इस तरह कहकर वो अनामिका के बालों को कैंची से काटने की कोशिश करने लगती है। अनामिका हाथ जोड़ के विनती करने लगती है, वो माफी मांगने लगती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, बाल मत काटिए, मैंने हंसा उसके लिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, जो अपमान तुमने मेरा किया है उसके लिए बाल काटना ही पड़ेगा, ये तो तय है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इतना कहकर अनामिका शारदा के पैरों पे पड़ जाती है, माफी मांगने लगती है। तब तक वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। शारदा अपने पीछे कैंची छुपा लेती है। अनामिका वहाँ से उठ के सीधा किचन में चली जाती है, पर बार बार शारदा को बस अनामिका की वही हंसी याद आए जा रही थी। तभी एक दिन वनजा नाम की एक महिला शारदा के घर के सामने से गुजर के जा रही होती है। बाल ले लो बाल, सुंदर सुंदर बाल, सिर्फ 1000 रुपए में काले काले लंबे बाल, बाल ले लो बाल, 1000 रुपए में बाल। इस तरह कहकर गुजर रही थी। शारदा बगीचे में एक बेंच पे बैठी हुई थी
और वहाँ पे बैठकर अखबार पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ सुनके शारदा अपने हाथ के अखबार को फेंक कर सीधा गेट के पास आ जाती है। फिर वनजा जो थोड़ी दूर पे ही थी उसे आवाज़ लगाती है, अरे इधर आना, इधर 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 आओ जरा। वनजा आवाज़ सुन के पलट के देखती है, शारदा उसे बुला रही थी। उसके बुलाने पे वो शारदा के पास जाती है। बताइए मालकिन, आपको कितने बाल चाहिए? तुमने जो कहा सही है, काले बालों का इतना डिमांड है? हाँ मालकिन, बहुत डिमांड है। मैं 1000 रुपए में बाल खरीदूंगी तो मुझसे अगला तो उससे ज्यादा भाव में खरीदेगा ना। उसके बाद और महंगे दामों में कोई और खरीद लेगा। इसी तरह चेन सिस्टम है मैडम। वैसे क्या आपके पास काले बाल हैं? कल तुम आओगी क्या? मैं तैयार होके रहूंगी। ठीक है मालकिन, फिर मेरे अलावा आप किसी और को मत दे देना। फिर तुम्हें 1 ग्राम बाल के लिए 1500 रुपए देने होंगे, दोगी ना? पहले आप मुझे काले बाल दिखाइए, तभी भरोसा होगा। ठीक है, फिर कल आओ, मैं बालों का बंदोबस्त करके रखूंगी, फिर भाव की बात करेंगे। इसके बाद वनजा वहाँ से चली जाती है। बहू रानी, तुम्हारे काले बाल है इसलिए तुमने हंसा था ना, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। फिर वहाँ से शारदा एक सलोन में चली जाती है। वहाँ पे दुकान के मालिक से बात करके सर को अच्छे से छिलने वाला एक ब्लेड ले लेती है। फिर वो हॉल में आती है। अनामिका वहाँ नहीं थी तो वो किचन में जाती है, देखती है अनामिका सब्जियाँ काट रही है। तुमने मुझे देखकर हंसा, अब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें टकला बना के रहूंगी। इस तरह कहकर वो अनामिका के पास किचन में जाती है। अनामिका सासू माँ के हाथ में ब्लेड देखकर अपना दुखी मुंह बना लेती है। अरे माँ जी, मैंने अब तो आपके बालों के बारे में कुछ नहीं कहा ना, फिर ये ब्लेड लेकर आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे बहू, बाजार में काले बालों का बहुत डिमांड है, हम तुम्हारे बालों को बेचेंगे, 2-3 महीनों में फिर से बाल उगाएंगे। नहीं माँ जी, उस दिन मैंने आपके सफेद बालों पे हंसा था तो आप इस तरह से मुझसे बदला लेंगे, बताइए। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं तो तुम्हारे बाल काट के रहूंगी, काटना ही होगा। अगर हाँ कहोगी तो बिना घाव के होंगे, और अगर ना कहोगी तो फिर तुम्हारे सर पे 2-3 घाव भी और पड़ जाएंगे। ये आप सही नहीं कर रही हैं माँ जी, मुझे गंजा बना के आपको क्या मिलेगा? बहुत पैसे मिलेंगे बहू, 1 ग्राम के 1000 रुपए मिलेंगे। आज से मैं शैम्पू नहीं करूंगी, ना ही तेल लगाऊंगी, हर 3 दिनों में सर से पानी डालूंगी, पर मेरे बालों को मत काटिए माँ जी। सुनो, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं नहीं सुनने वाली हूँ, तुम्हें टकली बना कर ही रहूंगी, एक जगह चुपचाप बैठो तो अच्छा ही रहेगा। विनती करने के बाद भी वो अनामिका का एक नहीं सुनती। अनामिका को बैठा के वो टकला कर देती है। जैसे जैसे बाल नीचे गिरने लगते हैं, अनामिका का दिल दहलने लगता है, वो बहुत रोती है। अनामिका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस जिंदगी के लिए, परिवार के लिए, इंसान होने के नाते वो मनी मन ढेर सारे बहाने बनाती है और चुप हो जाती है। शारदा जल्दी जल्दी बाल काटने में लगी थी, अनामिका बस रोए जा रही थी। जो बाल गिरे हुए थे शारदा जल्दी जल्दी एक बैग में सबको डाल लेती है। अगले दिन वनजा आती है, शारदा जल्दी जल्दी काले बालों का बैग ले जाकर उसे दे देती है। ये देखकर वनजा बहुत खुश होती है, फिर उसे तोलती है। जितना पैसा होता है वो शारदा को दे देती है। शारदा खुश होकर पैसे लेती है और फिर उन पैसों को वो गिनने लगती है। माँ जी, आपको ये बाल कहाँ मिले? बहू, अनामिका कहाँ हो तुम, जरा बगान में पानी ले आना। इस तरह जोर से चिल्लाने पे गंजी अनामिका डर के मारे एक ग्लास पानी वहाँ पर लेकर आती है। वनजा अनामिका को देखकर पूरी कहानी समझ जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। मालकिन, आपका आइडिया तो बहुत सुपर था, बाकी सासों को भी बताऊंगी। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वनजा वहाँ से चली जाती है। बिना कुछ जवाब दिए गंजी बहू अनामिका भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और शारदा अनामिका को गंजा बनाकर जो पैसे कमाती है उससे वो बहुत खुश होती है।